जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेवल विदाउट मनी। आज हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। आज है 11 अप्रैल और दोपहर के 3 बजे मैंने ये ट्रिप स्टार्ट की और इस समय 4:30 बज रहे हैं। मैं घर से काफ़ी दूर आ चुका हूँ। बस आप देखो इस व्लॉग में क्या क्या होता है, कितने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, कैसी कैसी हमें लिफ्ट मिलती है। अभी एक भाई साहब ने मुझे 3 किलोमीटर के लिए ऑटो से लिफ्ट दिया। मैंने कहा कि मैं लिफ्ट लेकर ट्रेवल कर रहा हूँ, पैसे नहीं मेरे पास। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पैसे ही सब कुछ थोड़ी ना होते हैं, इंसानियत नाम की भी कोई बात होती है। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। यही सोच सबके अंदर होनी चाहिए। एक माउंटेन के पास पहुँचा हूँ जहाँ पर होटल फाउंटेन नाम का होटल है, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बस बोर्ड मेरे हाथ में है, आप जल्दी से लिफ्ट लेते हैं। सो गाइस, शाम के 6:11 हो चुके हैं एंड ट्रेवल करते करते मैं काफ़ी दूर तक पहुँचा हूँ। एक माउंटेन के पास हूँ अभी मैं, ये आप देख लो। और अभी एक ट्रक के अंदर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ और ट्रक को चलाने वाले ये भाई है, ये महाराष्ट्रियन है आणि आप लोग मराठी भाऊ भेटला। ये सूरत तक जा रहे हैं और मैं सूरत तक पहुँचता हूँ, उसके बाद में फिर देखते हैं कि आगे की क्या जर्नी होती है। बाकी ये लोकेशन काफ़ी बहुत अच्छा बेहतर है, माउंटेन्स हैं, हरियाली है, हाईवे है। दादा हाँ, हाईवे नंबर कौन सा है, माइती है? 8 नंबर है। ओके, सो ये हाईवे से हम ट्रेवल कर रहे हैं एंड ये दादा चला रहे हैं यहाँ पर। दादा काही तरी सांगायचं आहे का? काय सांगावं, लोकांना काहीतरी सांगायचंय म्हणजे मी कसं वाटलं तुम्हाला? मी बरे सेवा बरे लोकांना अनुभव येईलच आता। हो तो दादा बहुत अच्छे, इनको मैंने बस मेरा बोर्ड दिखाया, ये लिफ्ट प्लीज वाला बोर्ड दिखाया, दादा ने गाड़ी रोक दिया और अभी बस बैठे सूरत तक ये जा रहे हैं। सूरत तक हम जाते हैं। दादा सूरत पोचायला किती वेळ लागेल, म्हणजे किती पर्यंत आपण पोहोचू शकतो? 11:30 पोहोचू। ओके, तो दोस्तों 11:30 म्हणजे 11:30 मतलब होता है हिंदी में 11:30 रात तक हम पहुंच जाएंगे सूरत। और सूरज पहुंच करके देखते फिर वहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम करते और टेंट लगा के सोने का। सो बस मुझे लग रहा है वीडियो बहुत तगड़ी आपको लग रही होगी, सो अब मिलते हैं डायरेक्टली सूरत में। सो गाइस 11 बज रहे हैं, यहाँ से एक रोड गया है सूरत की तरफ और इस तरफ है एयरपोर्ट। तो वो भाई ने मुझे ट्रक से यहाँ पर उतारा, यहाँ पर उतर गया हूँ। 11 बज रहे हैं और अब मैं पहुँचा हूँ सूरत, अगर आपको यहाँ पर दुख रहा हो तो सूरत। सो गाइस अभी मैं आप लोगों को जो सूरत दिखा रहा था वो वहाँ पर ब्रिज पर था और उसी के बगल में है ये पुलिस चौकी छोटी सी, यहाँ पर मैं आ गया हूँ। एंड खाने के लिए मैंने कुछ बिस्किट ले लिया है, इसमें थोड़ा सा सिंगदाना है, ये लेकर के खा लेंगे। एंड एक बॉटल में पानी लेकर के आया हूँ, भर के पानी पी लूँगा। तो यहाँ पर एक पुलिस वाले सर थे, उनसे मैंने पूछा कि मैं ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं कहाँ रह सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर रह सकते हो, सो सकते हो, पंखे भी हैं, आप पंखे लगा के सो जाना और आराम कर लो। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच। सो गाइस ऐसा भी कुछ करना पड़ता है, ये है मेरा मतलब ये है मेरा रक्सैक एंड वह मेरा डे पैक एंड हेलमेट। बाकी अब खा पी के यहाँ पर सोते हैं और फिर आपसे मिलते हैं सुबह। सो गाइस इस व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।